तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस स्केच की आउटलाइंस कंप्लीट करी थी। आज हम लोग इसके ऊपर कलरिंग करने वाले हैं। तो कलरिंग करने के से पहले हम लोग ग्रिड्स इरेज करेंगे, और मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली इरेजर का। और चलो अभी ग्रिड्स को पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। गाइस इस इरेजर का कोई सिस्टम नहीं है, बस आपको रखना है और फेरते रहना है बस। सबसे पहले साइड्स में अगर देखें तो काफ़ी डार्क है, तो डार्क के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क वायलेट का, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल वायलेट का। फिर हमारा आएगा पिंक की शेड, और साइड्स में भी डार्क पिंक की शेड, तो और बीच में हमारे वाइट आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया वैसे ही सेम कलरिंग करनी है, और देखो मैं कैसे कलरिंग करता हूँ। इसको करने का एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं राउंड शेडिंग। हमें बस ऐसे करके राउंड राउंड करके शेडिंग करनी होती है। और चलो ऐसे राउंड राउंड करके पहले पूरे मैं बैकग्राउंड पे शेड कर लेता हूँ। अभी इसको ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के लिए कॉटन बर्ड का यूज़ करूँगा, और कॉटन बर्ड के ऊपर आपको सिंपली पिंक कलर फेड लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो पिंक कलर लेना है और कॉटन बर्ड के ऊपर बस ऐसे लगाते जाना है, और जब आपके कॉटन बर्ड वाइट से पिंक हो जाए तब उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी स्मूथ होगी। जहाँ पर आपकी ब्लेंडिंग ना हो तो मतलब आपने वहाँ पे कलर काफ़ी कम फेरा है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा कलर फेर देना। लाइक मेरी यहाँ पे अगर ब्लेंडिंग कम हुई है तो मैं यहाँ पे और कलर फेरूंगा ताकि अच्छी ब्लेंडिंग हो। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मीडियम येलो का, और साइड में से ऐसे करके हम मीडियम येलो से साइड्स में शेड करेंगे, और जितने भी हमारे डार्क एरियाज हैं उन सभी को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम पूरी पगड़ी में येलो से शेड कर लेंगे। और जितनी भी हमारी लाइंस हैं जो हमें ड्रॉ करनी है उन सभी को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए आप नया कॉटन बर्ड यूज़ करना, पुराने वाले का यूज़ बिल्कुल मत करना। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक ये पुराने वाला है तो आप इस साइड से कर लो, और आपको इसके ऊपर मीडियम येलो फेर देना है। और अभी इसको करेंगे ब्लेंड। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो ओच कलर का, ताकि जो भी हमारी ये डार्क लाइंस है इन सभी को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी आपको जहाँ पे कलर कम लग रहा है आप थोड़ा सा और डार्क कर दो, और बस ऐसे ही आप पगड़ी ड्रॉ कर सकते हो। काफ़ी इजी तरीका है। तो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कुछ पूछना है ऑयल फेशियल के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फेस और बाकी जो भी पार्ट बचे हैं उन सभी के ऊपर कलरिंग करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।